I think I don't know what the time limit is, because initially the speakers they spoke a bit, you know, briefly. But ये मैडम काफी तफसीली गुफ्तगू की, तो टाइम लिमिट का अगर जरा मुझे थोड़ी सी हिंट दे तो उसी की अकॉर्डिंगली मैं फिर. सर मैम को थोड़ा सा ओवर टाइम हो गया था, वी आर होपिंग टू कीप इट समवेयर बिटवीन 10 टू 11 12 मिनट्स मैक्सिमम. एक्चुअली बेसिकली पीडीएम इज द डिमांड ऑफ द पीपल ऑफ दिस कंट्री. पीडीएम वाज डिमांड ऑफ द पीपल ऑफ दिस कंट्री. And what I believe is that the political parties, they have been forced by the masses to come out and to with the stance. उस बयानी के साथ वो बाहर आए जिसके साथ PDM की बुनियाद एक APC में रखी गई है. We have been talking about a hybrid democracy over the years, but now I think currently. We are witnessing a hybrid martial law. I would go forward and say that it is even worse than a hybrid martial law. It is worse than even a martial law, because in martial law at least the person who conducts, who carries on any acts, any actions, who implements any policy, he at least faces the reaction. He at least is responsible for whatever he is doing. But now. And currently what happening is that the string has been pulled by someone else, the policy has been made by someone else, and they have placed a punching bag in front in the shape of Imran Khan. Yahan par ek cheez jo main hame dekhne mein aayi is maujooda debate mein, that नैरेटिव को काउंटर करने के बजाय जो चीज पीडीएम लेकर निकली है, जिस बयानी के साथ, जिस रेजोल्यूशन के साथ पीडीएम आगे निकली है, उस चीज को काउंटर करने के बजाय हम जो देख रहे हैं वो जो पॉलिटिकल पार्टीज की बैकग्राउंड है, उनका जो पास्ट है, उस चीज को काउंटर करने की कोशिश की जा रही है. मतलब उससे पर हम यही निकाल सकते हैं कि वट एवर पीडीएम हैज बीन सेइंग वो सच है, वो ठीक है. जिस बयानी के साथ वो निकले हैं, जो चार्टर ऑफ डिमांड वो आवाम के पास लेकर आए हैं, वो ठीक है, क्योंकि उस बयानी को अभी तक काउंटर नहीं किया गया. अभी तक जो भी काउंटर आया है, वहां से रिस्पॉन्स आया है, काउंटर रिस्पॉन्स पीटीआई उनकी जो अलाइज उनकी तरफ से, वो सिर्फ और सिर्फ जो सियासी जमातें हैं उनकी जो उनकी जो तारीख है उसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है, जो मेरे ख्याल में किसी तरीके से भी उस चीज का जवाब नहीं है जो आवाम चाहते हैं. मसला हमारा यही, इस करंट रिजीम की भी अगर हम बात करें तो हमने बदतरीन ह्यूमन राइट्स वायलेशंस देखी है. कल ही का वाकया है जो वहां पर जो मजदूर निकले थे, जिस पर जिस तरीके से जिनसे बत्ता लेने की कोशिश की गई है, पर जिस तरीके से उन पर जिस तरीके से एक प्रोटेस्ट पर केमिकल मिला, पानी फेंकने की कोशिश की गई है, तो इसकी तारीख हमें माजी में नहीं मिलती. हमने ये भी देखा है कि मतलब जब हम खड़कमर पर पाकिस्तानी की फौज, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने गोलियां बरसाई और 14 हमारे साथ ही उसमें शहीद हुए, तो बजाय इसके कि स्टेट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि दे गो एंड दे इन्वेस्टिगेट द इशू एंड दे कंडेम व्हाटएवर हैज हैपेंड, हमने जो देखा वो ये था कि हमारी सियासी हुकूमत, पीटीआई की हुकूमत ने, पीटीआई की वफाकी हुकूमत ने, पीटीआई की सूबाई हुकूमत ने उस चीज को डिफेंड किया, उल्टा जो विक्टिम्स थे उन पर पूरा का पूरा मलबा डाला. ये मिसाल हमने तारीख में कभी इससे पहले नहीं देखी. मतलब जो जिस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी, जिन पर जिनको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए था, उनको नहीं किया, बल्कि उल्टा उनको डिफेंड करने के लिए पूरी की पूरी हुकूमत उनके पास उनके साथ. तो ये मेरे ख्याल में बेहुम इंसानी हुकूक की पामाली की बदतरीन मिसाल है जो शायद हमने माजी में कभी नहीं देखी. अब ये मॉरल अथॉरिटी की बार बार बात आती है, और इसके बाद हमने इंटरनली इस पर बात भी की. माई ओन स्टांस ड्यूरिंग दैट एपीसी वाज दैट वी एट लीस्ट नीड एन इंट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस बिफोर we go ahead with a new charter of democracy.
with a revised version of Charter of Democracy, because we have to answer some of the questions of the masses. वो पूछेंगे कि भाई दो दफा, एक दफा नून को भी हुकूमत मिली, एक दफा पीपल पार्टी को भी हुकूमत मिली, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद भी फिर भी कुछ मसाइल ऐसे थे जो इनिशियल चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में थे लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ, दोनों को मौका मिला। इस चीज पर भी डिबेट हुई है और इस चीज को हाईलाइट भी किया जाएगा। जब भी कोई नया चार्टर आपके सामने जब आएगा तो उसमें इस चीज का जिक्र होगा। यहां पर एक बात ये भी हुई, फवाद भाई ने एक बात कही कि मिसाल ये लोग आर्मी को पंजाब पुलिस बनाना चाहते हैं। देखिए जी, बात पंजाब पुलिस की नहीं है, हम ये चाहते हैं कि पंजाब पुलिस जो काम करना करती है वो अगर उसमें कुछ मसाइल है तो उनकी अब हुकूमत है वो उसको ठीक करे। हम चाहते हैं कि आर्मी वो काम करे जो उसको आईन में दिया गया है, उस पर किसी ने बात ही नहीं की। उस पर मतलब किसी पीटीआई के एक भी, मतलब जितने भी स्पीकर थे इसमें, उस पर उस चीज को उन्होंने टच भी नहीं किया। क्या ये बात दुरुस्त नहीं है कि मतलब जो रोल कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन किया है आर्मी उसी रोल तक महदूद रहे? मतलब अगर सियासी जमातों से गलतियां हुई भी है तो क्या वो उस चीज को जस्टिफाई कर रही है कि मिसाल फौज मुदाखलत करे हर चीज में? इस बात पर किसी ने अभी तक फोकस नहीं है किया कि फौज का जो रोल है वो उसको उसी तक महदूद होना चाहिए। फवाद भाई ने ये बात नहीं कि मिसाल के एक पाकिस्तान के आईन में कभी भी ये नहीं लिखा कि मिसाल फौज जाकर एक तमीराती इदारा भी बनाए, फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन, फौज जाकर पाकिस्तान की पूरी ट्रांसपोर्ट एजेंसी, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री पर भी कब्जा करे, फौज जाकर यहाँ पर बैंकिंग सेक्टर भी वो करे, कब्जा करे, फौज जाकर वहां पर मतलब फूड इंडस्ट्री पर भी कब्जा करे, वहां पर भी अपनी मोनोपोली बनाने की कोशिश करे। तो कौन सा एक शोभा है जिसमें वो अब ये आप खुद ही अंदाजा लगा रहे, इफ समवन इज ट्रेंड टू प्रोटेक्ट अ बॉर्डर एंड ही स्विच ऑन इन बैंकिंग सेक्टर, आप कल उसको फिर मैदान जंग में किस तरह लड़ाएंगे? एक बंदा है जिसकी ट्रेनिंग है सरहदों की हिफाजत के लिए, वो जाता है किसी कॉन्फ्लिक्ट में, किसी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में लग जाता है, आप फिर कल जाकर उसको मैदान जंग में किस तरह लड़ाएंगे? वो नहीं लड़ सकता क्योंकि वो फिर उसका जहन फिर कारोबार की तरफ ही में ही फिट हो जाता है, वो फिर मार्केटिंग में ही फिट हो जाता है, वो फिर ट्रांसपोर्ट और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में ही फिट हो जाता है। ये चीज है जिस चीज को हम रोकने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी चीज, हम मेरे ख्याल में अमार ने भी ये चीज बहुत क्लियर कर दी थी कि ये कोई ऐसा नहीं है कि मतलब अब पार्टीज मर्ज हो गई हैं एक दूसरे के अंदर। मौलाना की अपनी एक सियासत है, उनके अपने नजरियात है, शायद हम उसके सबसे ज्यादा नाकिद हो और शायद हम उससे सबसे बड़े मुखालिफ भी हो और शायद हमारा सियासी मैदान भी एक ही हो, हमने एक ही मैदान पर एक दूसरे के खिलाफ लड़ना हो, लेकिन चंद बेसिक पॉइंट्स जिस पर जो इस वक्त इस मुल्क की जरूरत है उस पर कंसेंसस अगर हो जाए तो हम काफी बड़े अचीवमेंट्स कर सकते हैं। हमने माजी में देखा है कि दो सियासी बड़ी सियासी कुव्वतें जब इकट्ठी हो गई पीपल पार्टी और पीएमएलएन की शक्ल में, हमने नतीजा ये देखा हम कि इन दोनों ने मिलकर परवेज मुशरफ की वर्दी उतरवाई है, इन दोनों और शायद और भी जितनी रीजनल पार्टी, छोटी बड़ी पार्टी जितनी भी है, इन दोनों ने मिलकर हमें 18वीं तरमीम का तोहफा दिया है। तो ये कुछ जो मिनिमम जो ज्वाइंट एजेंडा हो सकते हैं इन पर, जिस तरह की हमारे ने बात की कि रूल्स ऑफ द गेम फ्रेम करने के लिए अगर एक इतिहाद हुआ है तो मतलब सियासी नजरियात हर किसी की अपनी अपनी, लेकिन वो काफी बड़ी नतीजे दे सकते हैं। हम अगर पीटीआई की बात करें, तो काफी वादे उन्होंने भी किए थे जिस पर वो अभी तक बिल्कुल खामोश है। इन्फोर्स अपीयरेंसेस की बात की ही, मतलब इमरान खान साहब को हमने कई टॉक शोज पर सुना, वो कहता था कि भाई मैं जब आऊंगा तो मतलब इस तरह की कोई एक्शन की मैं इजाजत नहीं दूंगा, वो हो रहे हैं। हमारे पीटीएम का जो धरना इस्लामाबाद में हुआ था उसमें भी वो आया था, उसमें भी उन्होंने इसका इजहार किया था, वो अभी भी फ्रीक्वेंटली हो रहा है। साथ ही साथ इनफोर्स डिसअपीयरेंसेस के साथ साथ इमरान खान शुरू दिन से ये कहता आ रहे हैं कि फौज जो फाटा में गई ये बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ है। तो अब आए, उनकी हुकूमत है, सूबे में भी उनकी हुकूमत है, रफाक में भी हुकूमत है, तो बिस्मिल्लाह करें, वो ऐलान करें कि भाई मैं फौज को फाटा से निकालने का ऐलान करता हूँ, हम भी उस चीज को अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन पिछले दो ढाई तीन साल में उस चीज को बिल्कुल टच भी नहीं किया गया।
फिर एक पॉइंट जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस भी किया कि कहते हैं कि भाई ये मोनार्क्स है, ये मतलब पॉलिटिशियंस जो है ये करप्ट हैं, ये फलाना है, ये डुंगरा है, ये मतलब डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है ये। देखिए जी, मसला तो दूसरा है। आप जरा जो एजेंडा है ये सियासी जमातें सब लेकर आगे आगे आई हैं, क्या अगर कोई सियासी जमातें हैं वो मोनार्क से या वो व्हाट्स एवर जो भी है, क्या ये इस चीज को जस्टिफाई करती है कि मिसाल फौज आए वो टेक ओवर करे? क्या ये इस चीज को जस्टिफाई करती है कि मिसाल गवर्नमेंट फौज के कंट्रोल में होनी चाहिए, या रूल्स ऑफ द गेम वो सेट करे, या जो भी फॉरेन पॉलिसी है वो पाकिस्तानी फौज बनाए, या जो भी मतलब इंटरनल पॉलिसी हो वो उसका फैसला फौज करे? नहीं, ये तो मेरे ख्याल में ये तो जवाब ही नहीं है। अगर वो बुरे हैं तो आप उसका बेहतर अल्टरनेटिव के तौर पर सामने आए, बजाय इसके को आप फौज को डिफेंड करने की कोशिश करें कि नहीं, क्योंकि वो भी अच्छे तरीके से सियासतदानों से वो बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, इसलिए हमें उनको मौका देना चाहिए। नहीं जी, ये तो कोई बात ही नहीं, ये तो कोई जस्टिफिकेशन ही नहीं है, ये तो मसले का हल ही नहीं है, और ये हमारे सवाल का जवाब ही नहीं है। हमारा सवाल ये है कि भाई फौज का जो काम है उसको वही काम करना चाहिए। अगर एक सियासतदान बुरा है, अगर नवाज शरीफ बुरा था, तो आप उसके एक बेहतर मुतबादल के तौर पर खुद सामने आए और खुद अपनी ताकत पर आकर इलेक्शन लड़े, किसी भी साथियों के सपोर्ट पर आप ना आए। कल आज आप हैं इमरान खान साहब, कल शायद आपके रिप्लेसमेंट में वो किसी और कर लेकर आए, तो फिर शायद वो बात आप कल करें जो आज हम कर रहे हैं। तो कल जो बात आपने करनी है वो कल करने के बजाय आज जो बात और सियासी जमातें कर रही हैं, चाहिए कि आप उसको सपोर्ट करें। मैडम ने 38 नालों की भी बात की। देखिए जी, बात यह है कि मिसाल वो 38 नालों की बंदिश की जो बात है वो पीपल्स पार्टी की अपनी जो उनके सूबाई हुकूमत है वो बेहतर बता सकती है, लेकिन जो मैंने उनको सुना, सारा का सारा प्रॉब्लम ये जो कराची का जो नालों की बंदिश का हुआ है वो भी इन DHAs और इन अस्करी सोसाइटीज की वजह से हुआ है, जिनको ना कोई रोक सकता है, जिनको ना कोई रोक सकता है, और ना जब ना उनको मतलब ना उनको कोई रेगुलराइज करने का कह सकता है। बुनियादी मसला जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत है वो ये है कि जितना हमारी इस पार्लियामेंट को रबर स्टैंप बना दिया गया है, उस चीज को रोकने की कोशिश है। जमहूरियत को जो का जो मजाक बनाकर रख दिया गया है, उस चीज को कंट्रोल करने की कोशिश की कि हमारे पड़ोस में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो रही है, बार बार हम उसका पार्लियामेंट में जिक्र भी करते हैं, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा हमारे मुल्क पर, हमारे मुल्क के लॉ एंड ऑर्डर पर, हमारे मुल्क की फॉरेन पॉलिसी पर, हमारे मुल्क के मुस्तकबिल पर, हमारे मुल्क की मईशत पर भी उसका डायरेक्ट असर होगा। अफगानिस्तान में एक नई डेवलपमेंट होने जा रही है, हमने बार बार कहा है कि भाई ये साहब आते हैं, खलीलजाद आता है, वहां से आर्मी चीफ के साथ मिलकर वापस चले जाते हैं, तो पार्लियामेंट को भी कोई अभी तक एक सेकंड के लिए भी ये डिस्कस नहीं हुआ कि अफगानिस्तान में हमारी हुकूमत क्या करने जा रही है, या इतनी जो अब वहां पर पीस प्रोसेस चल रहा है, हमारे LGs भी जा, हमारे जो ISI के नुमाइंदगान भी जा रहे हैं, मैं फौज सबको जा रहा है, यहाँ पर आर्मी चीफ के साथ मुलाकातें भी हो रही, पार्लियामेंट को मतलब हम तो यही कह रहे हैं कि आपका जो इख्तियार है खुद ही उसको इस्तेमाल करें, बाकी तो जो और आएंगे वो उनके साथ देखा जाएगा, लेकिन आपका जो अपना इख्तियार है आप उनको आप इस्तेमाल करें। आखिर में एक बात जो जिसको मैं इलेक्शन मैं जिसका मैडम ने जिक्र किया, मैं रिस्पॉन्स जरूर करूंगा कि आपने इलेक्शन पिटीशन की बात की, हमने पिटीशन जमा कराई हुई है, अभी तक उसकी कोई पेशरफ नहीं हुई, हम आपको ठप्पे भी दिखा सकते हैं, और हम उन चप्पों में उन फौजी अहलकारों को हम ये कहते भी दिखा सकते हैं कि आपने PTI के उम्मीदवार को जितवाना है, ये कोर कमांडर साहब का उम्मीदवार है, हम आप रसीदों की बात करते हैं, रसीद आप जरा आसम बाजवा साहब से भी लेकर दिखाएं, आपने जजों की बात की, जस्टिस कयूम साहब की बात की, तो आप जरा जो जस्टिस फाइज ईसा साहब ने जो जजमेंट दिया है फैजाबाद धरने के बारे में, उस पर भी जरा अमल कराकर दिखाएं, और फिर जो अब रिसेंट जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट की जिसमें उन्होंने वो रेफरेंस को कह दिया कि भैया अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो जरा आपने सदर साहब से भी कहने कि भाई वो भी इस्तीफा दे कि किस, और ये कम से कम कौम को फिर ये भी बताया कि वो किसके कहने पर वो रेफरेंस फाइल हुआ था, और जिन लोगों के बारे में फाइज ईसा साहब ने कहा था कि वो लोग जो मुलविस थे फैजाबाद धरने में, उनके खिलाफ भी आप कोई एक्शन दें, तो वो उस पर भी कुछ ना कुछ अमल
करके दिखाएं। बुनियादी मकसद ये है कि हम ये चाहते हैं कि जमहूर की हुक्मरानी होनी चाहिए, अफराद की हुक्मरानी नहीं होनी चाहिए। फौज का जो काम है उसको उस तक महदूद रहना चाहिए, उससे वो इंक्रोचमेंट अगर करेंगे तो मेरे ख्याल में उसको उसकी मुखालफत इमरान खान को भी साहब को भी करनी चाहिए। बाकी सब तमाम जमातें तो मेरे ख्याल में ऑलरेडी इस एक पॉइंट पर एग्री हो चुकी हैं, लेकिन अगर इमरान खान साहब आज नहीं करेंगे तो आज की बात मेरे लिख लें, आज से 5 साल, 3 साल, 10 साल, डोंट नो, 2 साल जब भी हो, तो ये आज जो पीडीएम का बयानिया है ये किसी वक्त में फिर इमरान खान साहब का भी बयानिया होगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपकी स्पीच।